आपके हिसाब से कौन सी छोटी गलतियां होती है जब अपने बिजनेस को बड़ा करने जाते हैं? तो जब आप कंपनी को इतना बड़ा कर रहे थे और ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो हमने ऐसा क्या किया कि लोगों से हम अलग हो गए? कहते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने वाला हूं जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरे इंडिया भर में अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाकर लोगों की इस सोच को बदल दिया है। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं राजकोट के एक फेमस ब्रांड जो नेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और बहुत सारे लोग शायद आप भी इनके प्रोडक्ट यूज करते होंगे। तो चलिए आज हम मिलते हैं अमन ऑर्नामेंट के ऑनर मिस्टर रमेश परसाना को और जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक पायल इंडस्ट्री को इतना बड़ा करके पूरे इंडिया भर में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई शुरू की और कैसे इतनी बड़ी ब्रांड बनाई। तो चलिए आइए मिलते हैं रमेश सर को। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी करती क्या है और आपकी कंपनी कहाँ कहाँ पे अभी फिलहाल काम कर रही है। हमारी कंपनी अभी सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाती है, ठीक है, और इंडिया के सभी एरिया में हमारा माल सप्लाई होता है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है सर? हमारी प्रोडक्ट में मेन गिने तो पायले हैं, जूड़े हैं, अंगूठी है, बिछिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है, ब्रेसलेट है, जेंट्स की, लेडीज़ की, सभी की। ठीक है, तो सर इस कंपनी की शुरुआत आपने कैसे की थी और कब की थी? ये कंपनी की शुरुआत पहले हम इस बिजनेस के अंदर तो 30 साल से है इस बिजनेस में, और मेरे बड़े भाई ने शुरू किया था ये बिजनेस। उसके बाद मैं इस बिजनेस में आया और मैंने इस बिजनेस के अंदर अपनी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट शुरू किया और ये पिछले 20 सालों में हमने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में प्रचलित किया और क्वालिटी के साथ हमने मार्केट किया, तो सभी लोगों ने हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम यहाँ तक पहुँचे। तो सर, ये इंडस्ट्री में आने का पर्पस क्या था, मतलब पायल में या सिल्वर में कैसे, और क्या पहले से आपका इंटरेस्ट ले लिया था? ये ज्वेलरी में क्रिएशन डेली करना पड़ता है और क्रिएशन करने में हमको मज़ा आता है, इसलिए मैं ज्वेलरी बिजनेस में आया। ओके, और अमन ऑर्नामेंट, अमन क्या सर, ये नाम ऐसा क्यों आपने रखा? ये जब मैंने ये अमन के नाम से ब्रांड शुरू किया उस समय मेरे लड़के का बर्थ हुआ था और उस टाइम पे ही ये कंपनी की शुरुआत करी थी मैंने। ओके, तो अमन राम रखा मैंने, मतलब आपके बच्चे का नाम अमन है इसलिए हमने इस ब्रांड को अमन नाम दिया। यस राइट। तो सर, जब इस कंपनी को आपने शुरू किया तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे इस कंपनी को शुरू करने? जब मैंने शुरू किया तो अपने बिजनेस के अंदर सभी व्यापारी अपने अपने मोहर लगा के माल बेचते हैं, तो शुरू शुरू में ये दिक्कत आई थी कि अपने मोहर का माल व्यापारी लेते नहीं थे, और 4-5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, व्यापारी को समझाया कि भाई हम लोग डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, तो वो सारी दिक्कतें बहुत आई। लेकिन 5 साल के बाद सभी को पता चल गया अपने व्यवहार से कि रमेश भाई ऐसा नहीं है जो दूसरे की तरह मतलब व्यापारियों के व्यापारी में जाके काम करे। मतलब इस तरीके से हमने कंपनी को सही तरीके से स्टार्ट किया। तो सर, जब आप कंपनी को इतना बड़ा कर रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेबर के होते हैं, प्राइस के होते हैं, डिजाइन के होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को किस तरीके से आपने हैंडल किया? जब शुरू में डिजाइनिंग के लिए भी प्रॉब्लम बहुत होता था, राजकोट के अंदर इतना मशीनरी भी अवेलेबल नहीं था, तो मैं उसके लिए बॉम्बे जाता था, डिजाइनिंग का काम बॉम्बे भी करवाता था। फिर कंप्यूटर में कैड डिज़ाइनों का जब समय आया तो हम लोग बॉम्बे वो काम करवाना शुरू किया। धीरे धीरे मशीनरी भी हमने बॉम्बे से परचेस करी और स्टाफ भी उधर से रखा। काफ़ी दिक्कतें आई, फिर धीरे धीरे हमने इधर स्टाफ डेवलप किया, हमने स्किल वर्क डेवलप किया, और धीरे धीरे वो मशीनरी टूल्स वाले भी सभी लोगों को हमको रिस्पॉन्स अच्छा किया और वो राजकोट हमको सब सप्लाई देने लगे, और ये सारी दिक्कतों का। और डिज़ाइनों के लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो कस्टमर है वो मतलब एक छोटे गांव से होता है, तो उसमें
उन एकदम नई डिजाइनें देते हैं, मतलब लेटेस्ट अगर कर देते थे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, वो सारी दिक्कत है। फिर हमको पता चला कि धीरे धीरे चेंज करना है, तो डिजाइनों में हमने जो पुरानी चलती थी उसमें धीरे धीरे चेंज करके फिर हम लोगों को, लोगों की सोच चेंज करी और हमने नई डिजाइन पूरे लेटेस्ट में फिर आए हम। तो सर सिल्वर के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी खासियत क्या है कि भाई आज अमन का लोग पहन रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो अमन की डिमांड करते हैं, तो हमारी ऐसी क्या खासियत है कि जो लोग हमें इतना पसंद करते हैं? उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, दूसरा नई डिज़ाइनों में इतनी नई डिज़ाइनें निकालते हैं कि लोग अगर आज देखें और दूसरे दिन आते हैं तो दूसरे दिन नया मिलता है। तो नई डिज़ाइनों में भी इतना काम किया और क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ओके, तो सर आज अमन इतना बड़ा हो रहा है, आज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आज कौन कौन सी चीज़ है जो हमने बेहतर बनाई है लोगों से जो मार्केट में और सारे बहुत सारे क्योंकि ये इंडस्ट्री लगभग अनऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ पर लोग सिस्टम डेवलप नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको बड़ा नहीं होने देती है, तो हमने ऐसा क्या किया कि लोगों से हम अलग हो गए? हमने पहले तो सभी व्यापारी को समझाया कि भाई आप हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में भी समझाया, अनऑर्गेनाइज होने की वजह से काफ़ी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को भी समझ में आया कि एक सिटी में हम ज़्यादा व्यापारी को माल नहीं देंगे, दो या तीन सिटी के हिसाब से व्यापारी को माल देते हैं और उसके साथ पूरी ऑनेस्टी से काम करते हैं और उसका व्यापारी की पूरी कंप्लेंट भी सुनते हैं और उसमें काफ़ी सुधार लाते हैं, तो वो क्वालिटी में और डिज़ाइनों में हम चेंज जो करते हैं उसमें व्यापारी को भी, व्यापारी का भी सहयोग लेते हैं। अच्छा सर एक चीज़ और भी कि जैसे कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि हमें बाज़ार में बैठना चाहिए और हमने अपनी फैक्ट्री पूरी बाज़ार के बाहर लगाई है, तो ऐसा विचार कैसे आया कि हमें ऐसा कुछ करना, क्योंकि हम अभी जहाँ बैठे हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफली लोहे वाले और एल्यूमिनियम वाले सब हैं, तो हम यहाँ पर आए, तो ऐसा विचार हमें क्यों आया, कैसे आया? वो ऐसा था कि मैं बॉम्बे और वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों मैंने देखी थी, तो उसमें से विचार आया, हमारा जो पूरा अभी काम चल रहा है वो पूरा रेसिडेंस एरिया में चल रहा था पहले, तो वहाँ पे रेसिडेंस एरिया में फ्यूचर में दिक्कतें आएगी और मेरे को मतलब पूरा काम इन हाउस करना था और बड़ी फैक्ट्री करनी थी तो वहाँ जगह का भी प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इंडस्ट्रीज एरिया में जाता है ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए, तो इस वो सोच की वजह से हमने इधर आए कि भाई इंडस्ट्रीज करनी है तो इंडस्ट्रीज के एरिया में ही जाके करिए। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ज्वेलरी इंडस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज कभी ख़त्म होगी ही नहीं, क्योंकि जो लोगों के शौक है वो चीज़ है, तो शौक कभी ख़त्म होते ही नहीं है, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उन लोगों को नए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए, नई नई चीज़ें वहाँ पर करनी चाहिए ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। तो सर बहुत सारे ऐसा लोग बोलते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज है, तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया? इसमें एक तो आप ही है विशाल सिंह जी, कि आपने हमको, हमारे स्टाफ को, सबको ट्रेनिंग देके और सबको अपग्रेड किया, उससे हमारे काम करने के तरीके में काफ़ी सुधार आया, हम लोग सिस्टम में आए, फिर धीरे धीरे व्यापारी को भी दिखाया कि भाई हम लोग ऐसे किसी तरीके से काम करते हैं, क्वालिटी होने की वजह ये है, तो ये सब सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग आगे बढ़ पाए। अमन का विज़न क्या है सर, आने वाले समय में अमन का क्या विज़न लेकर चल रहे हैं? हम लोग आगे के समय में इंडिया में तो हम पूरे इंडिया में तो माल बेच ही रहे हैं, लेकिन ये जो स्टर्लिंग सिल्वर है वो उसमें क्वालिटी अभी भी बेटर करके मतलब बाहर के देशों में हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये और ये कब तक का हमारा प्लान है सर? ये करीबन एक आध साल में हमारा अभी प्लानिंग तो शुरू हो गया है, लेकिन एक आध साल के बाद हमारा एक्सपोर्ट का काम काफ़ी शुरू हो जाएगा। सर आज बहुत सारे लोगों के लिए आपकी कंपनी और आप इंस्पिरेशन है, अगर मानो कि उनको भी आपके जैसा एक हाउस बनाना हो, एक बड़ा व्यापार करना हो, तो क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? उसके लिए उसको एक तो अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लानी चाहिए, दूसरा एथिक्स से काम करना चाहिए,
छोटे से छोटे कारीगर और बड़े से बड़े व्यापारी को सही तरह से व्यवहार करके उसको संभाल के काम करेंगे तो कोई मेरी तरह कोई भी आगे बढ़ सकता है। सर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम और मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्यों लोगों को ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए? सिस्टम इसलिए डेवलप करनी चाहिए कि अभी तक जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसके अंदर फैक्ट्री जब स्टार्ट होती है तो बंद होने के टाइम तक किसी न किसी घर के सदस्य को हाजिर रहना पड़ता है। अगर वो चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाए तो आप मतलब कभी भी फैक्ट्री छोड़ के या कहीं बाहर आ जा सकते हैं और हमारी गैर मौजूदगी के बाद भी वो फैक्ट्री सही चले तो वो सिस्टम का ये फ़ायदा है। तो सिस्टम में आना चाहिए सबको, उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े, मैंने काफ़ी तकलीफें उठाई है। पुराने जो सोच वाले हमारे स्टाफ रहते हैं या घर के लोग रहते हैं तो वो कुछ कुछ बातें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज होने के बाद उन सबको भी आज मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई ये हम लोग सिस्टम में आए तो उसका काफ़ी फायदा है। सर, आपकी इंडस्ट्री में एक लेबर का बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि लेबर को कैसे हैंडल किया जाए। एक तो पहले लाया कहाँ से जाए, फिर उनके पास से काम कैसे करवाया जाए, तो आप वो चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? हमारा सेक्टर के अंदर मतलब जो स्किल वर्कर है वो बहुत कम मिलते हैं और लेटेस्ट मशीनरी के वर्कर्स तो काफ़ी मतलब बाहर से ही लाने पड़ते हैं, जैसे कलकत्ता है या बॉम्बे है उधर से लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि भाई एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा रखा है, नया बंदा आता है उसको अगर इंटरेस्ट है कि मेरे को ये काम करना है तो फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं और उसके लिए हमने HR भी रखे हैं तो वो पूरे स्टाफ को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उसको मतलब ट्रेनिंग देके उसके विचार को चेंज करके काम करने के तरीके उसको सिखाते हैं, फिर हम उसको कारीगर को काम पे लगाते हैं तो वो क्वालिटी काम करके देते हैं। मतलब हमने खुद ने ही लोगों को ट्रेन करना और तैयार करना शुरू कर दिया है। यस, ग्रेट। सर, आपकी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको जो सक्सेस चाहिए, उनको जो लेवल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सी छोटी गलतियाँ होती है जब अपने बिजनेस को बड़ा करने जाते हैं? उसके अंदर अपग्रेड नहीं होते हैं, वही पीछे रहते हैं। मतलब लेटेस्ट जो मशीनरी है या लेटेस्ट विचार है वो अपनाते नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हर कोई सब कुछ कर सकता है। राइट सर, आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है कि अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी होती है लेटेस्ट तो उससे क्या फर्क होता है, एक बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए? टेक्नोलॉजी की ये बात है कि अभी जो लेटेस्ट टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटी भी सुधरती है और फास्ट भी होता है। अच्छा। और जो लेट मतलब मैं आपको ये पकड़ूँ कि जो CNC मशीनें में काम होता है वो कभी कास्टिंग में नहीं होता है। राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी है तो वो अपनानी चाहिए, उसकी वजह से ही हम आगे जा सकते हैं। और जो बाहर के देशों में से जो इंपोर्ट हो रहा है माल, वो क्वालिटी में अगर जाना है तो मशीनरी और टेक्नोलॉजी में तो जाना ही पड़ेगा। तो अमन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करता है और क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी को उनकी खासियत है कि टेक्नोलॉजी को लेकर वो अमन अपने आप को कैसे अपग्रेड करता है? हम लोग कास्टिंग के अंदर पहले तो हमने कास्टिंग में मशीनरी ये सब लेटेस्ट डेवलप करी। अच्छा। उसके बाद हम लोग फोर्जिंग के अंदर भी आए, फिर इटली के भी काफ़ी मशीन लिए और आज की तारीख में हम लोग CNC में भी वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी और उसके बेनिफिट हमको मिल रहा है। ओके सर, आपकी सिल्वर इंडस्ट्री में ज़्यादातर वो थैले में भरकर लोगों को ले जाने की आदत है, लूज माल, और मैंने आपके प्रोडक्ट देखे वो सारे पैकिंग वाले हैं, तो ये हमें क्यों विचार आया और ऐसा क्यों हमने किया? हम जो पहले जिस तरीके से हम माल बेचते थे थैले में भर के या एक मतलब, तो वो पैकिंग में जहाँ तक माल व्यापारी के यहाँ पहुँचता था तब तक उसकी फिनिशिंग और सारी इतनी ख़राब हो जाती थी, तो बाद में हमने सोचा कि भाई उसके लिए कुछ करते हैं, तो हमने एक परफेक्ट पैकिंग बनाया और मार्केट में रखा। व्यापारियों ने बहुत विरोध किया क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जगह बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से व्यापारियों ने बहुत कंप्लेन करी कि भाई आपका 25 किलो माल रखते हैं तो हमारी इतनी जगह वेस्ट होती है, हम व्यापारी के यहाँ लेने देने जाते हैं तो थैले में जगह कम रहती है तो प्रॉब्लम होता है, माल कम आता है, काफ़ी कंप्लेन की।
लेकिन धीरे 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 सबको समझाया कि भाई पैकिंग की वजह से ही माल अच्छा रहता है और जहां एंड कस्टमर तक पहुंचे तहाँ तक वो क्वालिटी ख़राब नहीं होती है और वो सही तरीके से देखने में भी मज़ा आता है। तो वो बात सभी ने 4-5 साल में एक्सेप्ट किया, आज पूरा मार्केट पैकिंग में काम कर रहा है, उसकी मुझे खुशी है। राइट सर, अभी मैंने देखा कि आपके कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आप लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या है नए प्रोडक्ट, उनकी क्या खासियत है? नए प्रोडक्ट में काफ़ी CNC के प्रोडक्ट है। कास्टिंग के अंदर तो आज ऐसा हो गया है कि सब लोग कर रहे हैं काम, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको वैक्यूम कास्टिंग बोलते हैं, तो एक ज़माने में राजकोट में नहीं था, आज काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं। तो हम लोग जो नई प्रोडक्ट सब लेके आ रहे हैं वो सब मशीनरी प्रोडक्ट है और CNC में उसका वर्क होगा, और वो अभी लॉन्चिंग धीरे धीरे कर रहा है। सर, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन भी होंगे, तो सर उन लोगों को आपका क्या सलाह होगा कि अगर उनको भी एक अमन ऑर्नामेंट जैसे एक ब्रांड बनानी है तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है, और आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? उसके लिए पहली बात तो ये है कि उसको माइंड सेट करना पड़ेगा, माइंड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। कि भाई हमारे बिजनेस में ये नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, ऐसी नहीं है। हम लोग ट्राई करेंगे तो सब कुछ होगा और ऑर्गेनाइज भी होगा। आज एक सब करने में मेरे को 10 साल लगे, तो आज फैक्ट्री ऑर्गेन हम लोग पूरा फैक्ट्री रन अप कंप्यूटराइज मतलब सॉफ्टवेयर थ्रू रन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति अगर ये सारी चीज़ें माइंड सेट चेंज करे तो ब्रांड बना सकते हैं और क्वालिटी भी बना सकते हैं। सर, आपकी इंडस्ट्री में एक और बड़ा प्रश्न है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना ऑनर के फैक्ट्री नहीं चल सकती, चोरी होने का डर होता है या फिर कुछ और गलत चीज़ हो जाएगी, तो आप कैसे इसको ऑपरेट करते हैं? ये मैंने पहले भी बताया कि अनऑर्गेनाइज की वजह से ही ये प्रॉब्लम है। अच्छा। जो ऑर्गेनाइज अगर होता है, हर एक काम के लिए एक बंदा फिक्स है, हर एक काम का मतलब एक जिम्मेदारी बंदे के ऊपर फिक्स कर दी जाए और ये काम यही बंदा करेगा, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज अगर हो जाती है तो बाद में अगर हमारी अवेबिलिटी नहीं भी है तो चल सकता है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई परमानेंट नहीं आएंगे तो भी फैक्ट्री चलेगी, आना तो ज़रूरी है, और हमारा जो विज़न है वो दूसरों का नहीं होता है, वो फ़र्क रहता है, लेकिन हाँ जो परमानेंट हाजिरी देनी पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेगी। वो ऑर्गेनाइज के फ़ायदा ये है, मतलब अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाए तो सिल्वर की फैक्ट्री या गोल्ड की फैक्ट्री को भी हम ऑनर के बिना चला सकते हैं, अगर हम अपने आप में अपनी कंपनी में सिस्टम डेवलप करते हैं तो। सर, हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे वो या तो बिजनेस कर रहे होंगे या तो भविष्य में करने वाले होंगे, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे आपके अनुभव के हिसाब से? इसके बारे में दो ही चीज़ें कहना है कि मार्केट के मुताबिक नया अपनाएं। अच्छा। और ऑनेस्टी से काम करें, यही मेरी सलाह है अपने सभी व्यापारी को। सो ये अमन ऑर्नामेंट के ऑनर मिस्टर रमेश परसाना थे, जिन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अमन ऑर्नामेंट को इतना बड़ा किया, और वही चीज हमने यहाँ पर चर्चा की कि अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर एक बड़ा नाम बनाना चाहते हैं तो आप भी कुछ चीजें हैं जो सर की आप अपना सकते हैं, जो सर ने शेयर की है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और हम आने वाले समय में अमन को और ऊंचाई तक देखना चाहते हैं सर। थैंक यू सो मच सर।